हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं मज़ेदार क्रिस्पी और चटपटे हैदराबाद स्टाइल हरी मिर्च के पकौड़े। तो चलो देखते हैं इसे बनाने की आसान सी विधि। सबसे पहले हमने लिया है 150 से 200 ग्राम लंबी और पतली परत वाली हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से धो लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर फिलिंग में डालने के लिए थोड़ी इमली को पानी से एक बार धो लेंगे और गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। इमली भीग रही है तब तक हरी मिर्च को इस तरह काट लेंगे और उसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी के हरी मिर्च को भी हम काट के अंदर से बीज निकाल के रख देंगे। अब फिलिंग की तैयारी करते हैं। इमली अच्छे से भीग गई है, उसे हाथों से इस तरह मैश करेंगे और पल्प तैयार कर लेंगे। फिर लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून भुनी मूँगफली का पाउडर। मूँगफली के बदले में आप भुने हुए सफ़ेद तिल का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इमली का पल्प डालेंगे, लगभग 2 से 3 छोटे चम्मच। अच्छी तरह मिलाकर स्वाद चख लेंगे। कुछ कम लगे तो मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हो। और चटपटा मसाला तैयार है। अब मसाले को मिर्च में भर देंगे। हर एक मिर्च में मसाला ऐसे दबाकर अच्छी तरह भर लेंगे। सारी मिर्च में मसाला भर दिया है। अब इसके पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं। एक बड़ी कटोरी में 6 से 7 टेबलस्पून बेसन का आटा लेंगे और डालेंगे 2 से 3 चम्मच चावल का आटा। इससे पकौड़े क्रिस्प बनते हैं। फिर डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच अच्छी तरह गरम किया हुआ तेल डालेंगे और चम्मच की मदद से गरम तेल को आटे में मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे इस तरह। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। कुछ ऐसा गाढ़ा घोल तैयार हो जाए तो एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें तेल गरम कर लेंगे। घोल की एक छोटी सी बूंद तेल में डालेंगे। अगर तुरंत ऊपर तैरने लगे मतलब तेल अच्छी तरह गरम है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अब एक एक करके मिर्च को घोल में इस तरह डुबा लेंगे। सारी ओर से घोल अच्छी तरह लग जाए फिर तेल में छोड़ देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तलेंगे। हल्का सुनहरा होने लगे तो प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए बैटर में आप थोड़े मसाले और आलू और प्याज डाल के उसके भी पकौड़े बना सकते हो। और लो, तैयार है हैदराबाद स्टाइल चटपटे करारे हरी मिर्च के पकौड़े। इनका आनंद आप धनिया पुदीना की चटनी, टमाटो सॉस के साथ ले सकते हो या बस ऐसे ही खाने में ये बढ़िया लगते हैं। तो ज़रूर बनाएं और हमें लाइक और कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू।